हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट्स के ऊपर। एक ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक लगातार पीछे कुछ दिनों में लगातार गिरता चला जा रहा था, लेकिन आज एकदम से अपर सर्किट में क्लोजिंग दी है, क्योंकि कंपनी ने सुबह मॉर्निंग सेशन में ही शानदार रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं सेप्टेम्बर तिमाही के। और दोस्तों, कंपनी के जो मुनाफे हैं वो अब तक, जो इस छमाई की बात करें तो मुनाफा 500 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है कंपनी को नेट प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हैं, मात्र 140 रुपए का ये शेयर है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो मुनाफा है, वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और ये कंपनी कौन सी है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे, रिजल्ट्स की एनालिसिस करके भी दिखाएंगे, और साथ में हम आपको उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बताएंगे। देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो, और अगर आप लोग पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, कौन सा ये स्टॉक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये कोई और स्टॉक नहीं, ये स्टॉक है एडलवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज का। सो हम लोग बात करते हैं एडलवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसके नंबर्स हम लोग बाद में बात करेंगे, और आज हम देखेंगे कि किस तरह से, जैसे हमने पीछे वीडियो में आपको बताया था, काफ़ी लोगों ने हमसे कमेंट्स में पूछा था, तो हमने बताया था कि 124 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पर आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं स्टॉक ने लगभग 128.5 का लो टच किया, और एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इन द मॉर्निंग में दी लोगों को, वहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा, देन वेरी गुड, स्टॉक एक अच्छा पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ से अगर स्टॉक ने, मैं यहाँ पर आपको फ्रेश सिग्नल्स लगा के दिखाऊंगा, अगर स्टॉक ने यहाँ से एक बार 150 का लेवल क्रॉस कर दिया द कमिंग डेज के अंदर, देन आप डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो नेक्स्ट हायर लेवल देखेंगे, वो देखेंगे तकरीबन 180 तक का अप मूव देखेंगे आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर इस काउंटर में। तो दोस्तों, ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए कंपनी ने, फंडामेंटल तो वैसे भी काफ़ी बेहतरीन है, मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से ये स्टॉक लगातार गिरता चला आ रहा था, 280 रुपए से गिरते गिरते इस स्टॉक ने, इस काउंटर ने 128.5 का लेवल टच किया। बट आज जैसे ही मॉर्निंग में कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए, और माना जाता है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट आर्ट्स में अपने नंबर पोस्ट करती है, इसका मतलब नंबर्स शानदार पोस्ट होने वाले हैं, और आज ऐसा ही हुआ। 500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी शो कर चुकी है इस सेप्टेम्बर छमाही के अंदर। इसके अलावा वीकली चार्ट पे अगर बात करेंगे दोस्तों, सो वीकली चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस है, जो मेजर हर्डल था, वो था तकरीबन 125 रुपीज़ का, यानी कि जो डेली था 124, उसी के आसपास लमसम 125 का भी हर्डल है, और आप देख सकते हैं उस लेवल को आज टच किया। एंड यहाँ से उम्मीद है एक अच्छा रिवर्सल, एक अच्छा मूव स्टॉक के अंदर हमें अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट फॉर द एडलवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज द 150 रुपीज, एक बार 150 क्रॉस हो जाएगा, द नेक्स्ट टारगेट विल बी द, जो नेक्स्ट टारगेट कह लीजिए, ये टारगेट कम रेजिस्टेंस कह लीजिए, 180 रुपीज़ का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो दोस्तों, ये आप एडलवाइसेस पर नज़र बना के रखिए, इसके नंबर्स हम लोग आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए नंबर्स हम आपके साथ बात करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ पर ये एडलवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स हैं, 30 सितंबर 2018 आज सुबह मॉर्निंग में इन्होंने नंबर पोस्ट किए। और अगर आप देखेंगे क्वार्टर एंडेड के नंबर्स, तो जो टोटल सेल्स रही है, टोटल रिवेन्यू रहा है ऑपरेशन से कंपनी का, वो लगभग 2650 करोड़ का रहा है सितंबर 18 में, अनऑडिटेड नंबर्स हैं ये, जबकि सितंबर 17 में जो इनका टोटल रिवेन्यू रहा था ऑपरेशन से, वो लगभग 2017 करोड़ का था। जून 18 में जो इनका टोटल रिवेन्यू था ऑपरेशन से, वो 2435 करोड़ का था, यानी कि YOY और QOQ दोनों ही ग्राउंड्स पे कंपनी का टॉप लाइन काफ़ी बेहतर रहा है। साथ ही हाफ ईयरली अगर देखेंगे तो सितंबर छमाही जो अनऑडिटेड है उसको देखेंगे, तो लास्ट ईयर सितंबर 17 में, 30 सितंबर 2017 का जो अनऑडिटेड नंबर थे, उसमें 4086 करोड़ का कंपनी का टोटल रिवेन्यू था ऑपरेशन से, वहीं पे अब 5085 करोड़ का, यानी कि 1000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू कंपनी ने इस छमाही में इंक्रीज कर लिया है एट प्रेजेंट अभी तक। उसके अलावा आप अगर देखेंगे PBT की बात करते हैं हम लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की, तो जहाँ कंपनी को पिछले सितंबर तिमाही में 315 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं सितंबर 18 में कंपनी ने 457 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, यानी कि लगभग 140 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने ज़्यादा कमाया है इस तिमाही के अंदर। साथ ही अगर जून क्वार्टर की बात करेंगे, तो जून में कंपनी को 422 करोड़ का प्रॉफिट था, और वहां से भी कंपनी को
तकरीबन 30 करोड़ के आसपास का, 30 से 35 करोड़ का मुनाफा इस सितंबर तिमाही में बढ़ गया है जून में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्राउंड पे भी कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन फैंटास्टिक है। साथ ही अगर आप पीवीटी को देखेंगे तो लास्ट जो सितंबर छमाही थी उसमें 702 करोड़ का प्रॉफिट था और इस सितंबर छमाही में 880 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। लगभग 178 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इंक्रीज किया है छमाही दर छमाही। तो प्रॉफिट मुनाफे को आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हिडन है आपके सामने। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट सितंबर में, सितंबर 17 में कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट रहा था, नेट प्रॉफिट जो पॉकेट में गया था 180 करोड़ 88 लाख का था। उसके बाद जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया था वो 263 करोड़ 32 लाख का आया था और अब सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया वो 276 करोड़ 38 लाख का। यानी कि आप देखेंगे पिछले तीन क्वार्टर से कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यूसली बहुत ही शानदार और अपमूव में जा रही है। साथ ही अगर छमाही नंबर्स की बात करते हैं तो सितंबर छमाही में कंपनी को जो नेट प्रॉफिट था 405 करोड़ 26 लाख का था, वही अब तकरीबन 134 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है कंपनी का छमाही दर छमाही में और 539 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट। एक बड़ा मोटा और आप समझ सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं 500 करोड़ का मुनाफा एक छमाही में। कंपनी जिसका स्टॉक आपको पैनी प्राइस में मिल रहा है, केवल 140 रुपए का शेयर मिल रहा है, जबकि उसका जो मुनाफा है वो है 500 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो दोस्तों 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के मुनाफे का शेयर आपको बहुत ही मात्र पैनी प्राइस में इस वक्त अवेलेबल है। और इसके ईपीएस की बात करेंगे अगर अर्निंग्स पर शेयर की तो आप देखेंगे छमाही दर छमाही 4.79 से बढ़ के जो अर्निंग्स पर शेयर है 6.11 हो गई और 2.31 से बढ़ के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर पे जो ईपीएस है वो 3.08 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 3.03 से बढ़ के 3.08 हो गई थे। ओवरऑल फैंटास्टिक नंबर है एनालिसिस और ये स्टॉक अब परचेस करने का यहाँ पर इतना बॉटम किया है और यहाँ से इसमें मार्केट अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो ये मार्केट से भी तेज भागने वाला शेयर बनेगा दोस्तों और आपको दिलाएगा ज़बरदस्त मुनाफा, आप रहेंगे हर वक्त प्रॉफिट में। तो दोस्तों ये रहा एडवाइसेस और 500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट और हम यहाँ पर यही कहेंगे हिप हिप हुर्रे। सो थैंक यू फ्रेंड्स और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो लोग इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग लगाए हुए बैठे हैं उनके जो वो जो पैनिक फेस कर रहे हैं उनको एक रिलीफ मिले और सुकून उनकी लाइफ में एंटर हो जाए। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूंगा कुछ और फैंटास्टिक खबर के साथ, कुछ और फैंटास्टिक पिक्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।